जीते रहो, खूब बड़े हो जाओ। पहले बोल। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। मुझे पता है मैं आप सभी को थोड़ा लेट विश कर रही हूँ, ब्लॉग थोड़ा एक दो दिन बाद अपलोड हुआ होगा, बट यू नो रेगुलर नहीं हो पाता है मेरे से। सो, आज हम मॉर्निंग पे उठ गए थे, मैं नहीं, मम्मा उठ गई थी 5:30 या फिर 6:45 के आसपास। फिर उसके बाद मम्मी जब से काम कर रही है तब से नींद खजबजी होने में लगी है, तो फिर मैं भी उठ गई 6:30-6:30 के आसपास। सो अभी पापा नहा रहे हैं, फिर मैं नहाती हूँ, फिर काम आप निपटाते हैं, हम आपको रेडी होके मिलती हूँ। सो मैं पहनने वाली हूँ, मैंने मीशो से एक कुर्ती मंगाई थी ना, वो पहनेंगे, अभी मिलते हैं आपसे। मॉर्निंग व्यू ऐसा हो रहा है दोस्तों, कोरा कोरा कोरा। अभी तो कम हो गया, आगे ज्यादा हो रहा था पता आपको। मंजुलिका, हेलो मंजुलिका, मार दिया। तो दोस्तों, मैं भी रेडी हो गई हूँ, दीदा भी रेडी हो गई है। कैसी लग रही हूँ मैं आप सभी को बताओ? आंटी जैसी तो नहीं लग रही ना आज? दीदा ने दुपट्टा भी नहीं पहना, क्योंकि मेरे कुर्ते के साथ दुपट्टा है, इसका शो नहीं आएगा विदाउट कुर्ता विदाउट दुपट्टा। अच्छा अंशु, तो अभी ना हम पहले हमारे अंशु को राखी बांधे, बताए सवेरे से अंशु इतने बार आ गया है, 7 बजे से आ गया था ये, लेकिन हम लोगों का काम वगैरह ही नहीं हुआ था ना, हम तैयार हुए थे। फिर अभी फाइनली 9:30 के आसपास हो रहा है अभी, तो हम इसको राखी बांधते हैं। फिर आपको खाना दिखाऊंगी आज हमने कितने पकवान बनाए हैं। हम इसी मौसी हैं, लेकिन बचपन से बाद। हाँ, वैसे तो हम इसकी मौसी हैं। छोटा, मैं कुछ कह रही थी। हाँ, अंशु भी साइड से कह रहा है, वैसे तो ये मेरी मौसियाँ हैं, लेकिन मेरे को बचपन से राखी बांधती हुई आ रही है, क्योंकि इसकी बहनें ना बहुत कम हैं और जो हैं वो यहाँ नहीं है, तो उनकी कमी हम लोग पूरी करते हैं। क्यों, मैं कुछ पागलपंती वाला बोल रही, इसका कुछ रिएक्शन ही अच्छे नहीं आते हैं। जीते रहो, अच्छे से पास हो जाना हाथ खेलनी में। मैं सबसे आगे बांधूंगी, पीछे भी बांधू। खाओ खाओ खाओ, कितना हिला ये। गिफ्ट कहाँ है मेरा? हैं? बेटा थोड़ा देता बोल, तुम तो मौसी हो बोल। अम्मू जीते रहो, ये घर का सबसे छोटा शैतान है, जिसने सारा घर घर सर पे उठा के रख रहा है गुस्से से, अपने गुस्से से। उल्लू बना रहा था, सच बोल रहा था, रेसिंग में दद्दा तो कह रहा था, झूठ बोल रहा था। हैं? उल्लू बना रहा, उल्लू उल्लू भूल जाओ, भूल जाओ, तेरे मैचिंग मैचिंग हो रहा है, खिला भी तूने मासी को तो पहले की नहीं कहा? हाँ बेटे को ही भाई भी बना दे रहे, आधे घंटे भी हो गया। अब हमारे भाव की बहनें इतनी दूर हैं जो हैं, उनके किस्से की हम बात देते हैं, क्यों है ना? लो लड्डू उड़ गया, जरा से बैठो, पालती मार के बैठो, पालती मार के नहीं बैठा जाता। क्यों, बड़े हो गए आप आज? अम्मू की पजामा टाइट हो रही बस। मैं
जीते रहो, खूब बड़े हो जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बड़े होकर खूब बड़े बन जाओ। अभी भी तो बड़े ही हैं। अरे मौसी के हाथ ऐसा बड़ा बनो कि तुम नाम कमाओ, फिर मौसी को भी तुम नई नई गिफ्ट लेकर दो। मौसी मैं आपके लिए ये लाया हूँ, हमारी मैं बुढ़िया हो जाऊंगी लेकिन शौक में रहते है ना, पूरे कर देना जरा हमारे भी लड्डू। आपका तो पूरा खा लोगे, आधा खाओगे? इधर को देखो मैंने ये भी इसमें भूजा डाल दिया। आज पैलक तो सुनना है तुम लोगों के मुंह से। पैलक बोल, पहले पैलक बोल, फुटे नहीं देखी ना, पैलक बोल, पैलक बोल, जीते रहो। पैलक भगवान की होती है सुबह शाम की, वही तो भगवान जैसे गुण करो। कितना बुरा यार। इतनी ज्यादा की चॉकलेट देगा मेरे को? चॉकलेट ले लेना। गुड, मेरा आज का गिफ्ट। और किसी ने नहीं दिया मुझे, मम्मी ने भी नहीं दिए ध्रुव के रूप में मुझे अभी तक। सो दोस्तों, ध्रुव की बहुत ज्यादा याद आ रही, भैया यहाँ है नहीं लेकिन ठीक है, चलो कोई नहीं। और अभी मम्मी जा रही है नैनीहाल को, कल मैंने आपको पहले वाले व्लॉग में दिखाया था मम्मी जब लैपटॉप वगैरह रख रही थी, तो मम्मी अभी निकल रही है। टाइम हो रहा है अभी 11 नहीं बजे हैं, मम्मी इतनी जल्दी देखो भागने लग गई हैं। हमारी ईजा रेडी है, बाहुबली डरता हूँ। अपन मैं तो जाने लीजिए, तू एक्साइटेड होने ना यहाँ की बदल, तुम लगा लो। सवेरे से मैंने आज कुछ भी काम नहीं किया, पूजा पाठ मम्मी ने खुद की है, मतलब वो तो खुद करती ही है बट मतलब वैसे, और पूरा मतलब भगवान जी का भोग जो भी बनाया है, खाना वाना सब मम्मी ने खुद करा है। मैं महारानी की तरह बस आज बैठी हुई हूँ। मम्मी भाव ही नहीं देती यार, मेरे फोन में बताओ तो जरा। आइए, हम कब से इंतजार में बैठे हैं आपके। ये तोहफे हैं, हैं ये तोहफे हैं। मैंने चाची को देगा, चाची को बोल देना मैंने कहा था सही। बाय। खीर, लड्डू, लड्डू, लड्डू रख दिए, दोनों छोटा डब्बा भी था उसके अंदर, और गुड्डू मामा के राखी भिजवा देना। और भी है वहाँ और मंदिर में, और और क्या है, और पता नहीं ऐसा लग रहा है कुछ भूली हुई रख लिया पैसे जहाँ पैसे मिल रहे। बाय बाय। पिठा की लाइन भाई, यहाँ मांग भरती हम इसकी पूरे माथे बहने होती ना, मेरी नाक से लगता है मेरे को, माथे इसका हम फुल करेंगे। ये तू बड़ा है, मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ। पलाक पलाक, जीते रहो, बढ़िया रहो, बढ़िया। दोस्तों हमारे छोटे भाभी आए हैं, व्योम व्योम, हेलो बेबी। वॉचमैन सीटी कैसे बजाते बाबू, बता दो। अरे बताओ यार गुनी, व्योम छोटी माँ कैसे हंसती है, व्योम छोटी माँ कैसे हंसती है, छोटी माँ कैसे हंसती है, व्योम वॉचमैन की सीटी कैसे जाता है, व्योम वॉचमैन सीटी कैसे जाता है, हेलो है? चलो मम्मा भी ननिहाल को चली गई है और हम सब ने अपने भाइयों को राखी भी बांध ली है। ध्रुव यहाँ नहीं है और बाकी सबको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। पता है मेरा मूड भी खराब हो रखा है आज इसी चक्कर में, मतलब सब लोग नहीं है ना। अब वो खैर टाइम जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, सब जॉब वाले हो जा रहे हैं, कोई बिजी हो जा रहा है, कोई बीमार हो जा रहा है, सब इधर उधर ही हो गए हैं, अब खैर क्या ही कर सकते हैं। सो अब मैं चेंज करती हूँ, मैंने मॉर्निंग से कुछ खाया भी नहीं है, 1 बज गया है, तो खाना ना खाते हैं और थोड़ा बहुत काम बचा है वो भी करते हैं, फिर थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो मैंने चेंज कर लिया है और सवेरे से लक्का से भी बात नहीं की थी, तो अभी वीडियो कॉल पर उसी से बात करने हुई थी।
इतनी हंसी मजाक करने में जानू क्या बताऊँ, उसने बैठे बैठे वहां से मेरी आँख खिल्ली उड़ा रखी है। सो अभी मैं खा रही हूँ खाना, मम्मा ने आज पूरी खीर रायता दाल चावल इतनी सारी चीज़ें बनाई हैं, मैंने सवेरे से तो कुछ खाया नहीं था। सो अभी मैं पहले पूरी वगैरह खा रही हूँ, थोड़ी देर पर चावल खाऊंगी क्योंकि इतना सारा मैं एक बार नहीं खा सकती हूँ। है दीदी, खाना खाते हैं टीवी देखते देखते। सो ये है हमारी आज राखी का गिफ्ट। इतने दिनों से ना मैंने चॉकलेट ही नहीं खाई थी, तो अब हम चॉकलेट खाते हैं क्योंकि इनफ चॉकलेट है मेरे पास खाने के लिए। सो दीदी के साथ शेयर करते हैं, मम्मा तो यहाँ आए नहीं, अब मैं खाऊंगी। तू चल रही नहीं चल रही, ये बंदरों की तरह लगी रहेगी। सो गाइस 6:05 बज गए, हम लोग घूमने जाने वाले थे 5 बजे। मिठाई लगी है तुम्हारे, नहीं लगती है क्या मेरे से गिरी, जो उनकी भी तो लगती होगी खाते वक्त। तो हम लोग घूमने जाने वाले थे 5 बजे, लेकिन नानी आ रही थी, थोड़ा नानी से मिलते हुए जाएंगे, तो नानी कह रही थी मैं यही आऊंगी, तो 6:30 बहुत लेट हो जाएगा, 6:45 तक हम घूमने के लिए जाएंगे। लेकिन मेरे को तैयार होने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा दीदी, मुझे तो चल भी रही शॉर्ट्स में। मम्मी के बिना तो अजीब लग रहा ना घर। गाली खाने का मन कर रखा है मम्मी की, अगर मम्मी होती ना अभी तेरा इलाज हो गया होता, ना बर्तन धोए हैं, ना ना झाड़ू आ रहा है, ना कुछ किया है, आजाद हो रही है। भूतों की तरह लगी है उड़ाने में। चल अब नहीं निकल रहा यार ये कपड़ों से, मम्मी से कहूंगी मैं, अभी तक मम्मी मुझे मेरे संग चल दी होती। चलो पगला गई। परसों पता है मनी प्लांट पे कीड़ा चिपका था, ग्रीन ग्रीन कलर का, वो कैटरपिलर था शायद, कैटरपिलर ना। अब मैंने पता ही नहीं था वो होता क्या है, पहली बार देखा था, भयंकर ऐसी स्पीशीज बहुत कम मिलती हैं, ऐसा लग रहा था कि वो पेड़ में ही चिपका हुआ है, जैसे ये है उसकी वो डालना ना क्लिप डालना, मैं भी इसके आकार का सेम टू सेम ऐसा लग रहा था कि मतलब इसी का हिस्सा है, प्लांट का हिस्सा है, पता ही नहीं चल रहा था। वही तो, फिर ना मैंने क्या करा, उसको उठा रही थी, मैं नहीं उठ रहा था, फिर मैंने एक पत्ता तोड़ दिया उसको, फिर खेत पे डाल दिया था। दो थे अफसोस हो रहा है मुझे, नहीं देना चाहिए था, पर मैं पहले भी डर गई थी, मैंने सोचा कष्ट छु आया खुद के, उसके आगे इतनी डरावनी थी, उतनी बड़ी बड़ी आंखें दिख रही थी यार उसकी, क्या बताऊं मैं आपको। और मैं उसको छेड़ रही थी ना, जैसे सांप जैसा लग रहा था, मतलब चपटने को आता है काटने को आता है, वो बिल्कुल उसका रिएक्शन वैसी था, तब मैं और ज्यादा डर गई थी, तब मैंने उसको उठाकर फेंक दिया। अभी देखना आप आगे वाली क्लिप में, और अब मैं रेडी होती हूँ घूमने के लिए। चलो मैडम, मेरे समझ नहीं आ रहा है क्या चीज, अम्मा तो मुझे गिरा मत देना। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं इवनिंग वॉक के लिए, दीदा और मैं मैचिंग मैचिंग हो रखे हैं, ब्लैक ब्लैक। कल मैं रुवाली के साथ मैचिंग मैचिंग हो रहा था, आज हमारी दीदा के साथ हो रहा है मैचिंग मैचिंग। सो ठंडी ठंडी हवा चल रही है यार, यहाँ पता घर पे हम हलवा बन गए थे, बस सुंदर हो ना, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब थोड़ा देर इनको बैठते हैं फिर जाएंगे घर को। सो दोस्तों मैं आपको पगली लग दूंगी, मैंने जो छोटी छोटी चुटियाँ बनाई थी ये खोली ना, तो ये थोड़े ऐसे ऐसे हो गए हैं। सो हम लोग घूम कर घर आ गए थे, और पता है जंगल पे दीदी को बंदर ने पकड़ दिया था, दीदी के पैर से पकड़ दिए थे ना, आपको क्या बताऊँ, फिर उसके बाद से वीडियो भी नहीं बनाई, दीदी बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो हम लोग ना पूरा कैंट एरिया नहीं गए, थोड़ा सा गए थे, फिर वापस आ पड़े थे, और हम लोगों का डिनर हो गया है, और आज के व्लॉग को हम एंड कर रहे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है, आई नो आज का जो व्लॉग है वो शॉर्ट है बहुत ज़्यादा, बट पूरे दिन जो हुआ आप सभी के साथ शेयर किया। सो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और कैसी रही आप सभी की राखी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बाय, राधे राधे।